वेलकम टू लीली आर्टिस्ट फैब्रिक वर्क्स। ये फैब्रिक पेंटिंग बिगनर्स की क्लास 1 है। आज हम एकदम सिंपल डिज़ाइन वन शेड में सीखेंगे, फिर धीरे धीरे मैं इसके और पार्ट डालूंगी। ये कॉटन का कपड़ा है 1.5 मीटर, जिसको मैंने मार्केट से लेके रात भर पानी में भिगा दिया है। आप भी पहले भिगाएंगे उसको अच्छे से, फिर वॉशिंग मशीन में एक राउंड चला देंगे। उसको सुखाने के बाद हम सुखाने के लिए डाल देंगे और उसके बाद इसको प्रेस करेंगे। इसके ये पेंटिंग से पहले का सारा स्टेप है, इसके बाद ही हम पेंट करेंगे, वरना हमारा कलर निकलेगा और ये करने की वजह से अब हमारा कलर नहीं निकलेगा। इसको हम फ्रेम बोलते हैं या एम्ब्रॉयडरी हूप भी बोलते हैं। ये आपको मार्केट से आसानी से मिल जाएगा। ये दो होती है रिंग्स, एक हम कपड़े के नीचे डालेंगे और एक उसके ऊपर फिट करेंगे। फिक्स करने के बाद हमें स्क्रू भी दिया होता है, पहले हम फिक्स कर लेंगे, फिर वहाँ स्क्रू से इसको टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद कपड़े को खींच के एकदम टाइट कर लेंगे, ताकि डिज़ाइन या पेंटिंग करते वक्त अच्छे से पेंट हो। और अब हम डिज़ाइन को ड्रॉ करेंगे। आप डिज़ाइन को ट्रेस भी कर सकते हैं कार्बन से या केरोसिन ऑयल से, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, देख लीजिए। ये मैं आपको सिंपल फ्लावर बता रही हूँ, जो मैंने इंस्टाग्राम पे डाला था, तो आप लोगों ने इसी को वोट किया था ज़्यादा। आप कोई भी फ्लावर बना सकते हैं जो आप आसानी से ड्रॉ कर लें। अभी मैं एक डिज़ाइन आपके सामने बना रही हूँ। अब हम इसमें कुछ लीव भी बनाएंगे। आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं जो आपको आती हो। मैं आपके लिए एक सिंपल डिज़ाइन सोच रही हूँ बनाने के लिए। लीव बना देते हैं यहाँ पे। आप लोग सारी वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, कुछ भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैंने हर एक लाइन में कोई ना कोई टिप्स दी है। फिर आप लोग वही क्वेश्चन सेम पूछते हैं कॉमेंट में। ब्रश, कलर, फैब्रिक वॉश करने के बाद कलर क्यों निकलता है, सबका आंसर इस वीडियो में है, तो वीडियो को फुल वॉच करिए। पत्ती को पेंट करने के लिए मैं सैप ग्रीन कलर ले रही हूँ, किसी भी कंपनी का मिले ले लीजिएगा। ये मीडियम है, फेविक्रिल का, एक कैमलिन का, आपको जो भी मिले ले लीजिए, सब एक ही जैसे होते हैं, थोड़ा ही डिफरेंट होता है। हमारा कलर ना ज़्यादा ठीक होना चाहिए ना थीन, मतलब एकदम ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं हो और एकदम पतला भी नहीं हो। थोड़ा सा मैंने मीडियम मिलाया है। और ये ब्रश नंबर 3 है, मिल्टन सुपर का। और अब हम पेंट करेंगे पत्ती। अगर आपको पेंटिंग बिल्कुल भी नहीं आती तब भी आप ये कर सकते हैं। सबसे पहले हम हाफ जो है डार्क ग्रीन लगाएंगे, सिंपली कुछ भी नहीं करना, हाफ एकदम डार्क ग्रीन। और उसके बाद हम लेंगे वाइट कलर और जो बचा हुआ हाफ है उसमें वाइट लगा देंगे। बस ये ध्यान देना है कि थोड़ा सा कर्व लाइन रखेंगे, स्ट्रेट लाइन नहीं रखेंगे, एस के शेप में। बस हो गई आपकी लीव। इसी तरीके से अब हम दूसरी लीव करके दिखाते हैं आपको। हाफ जो है, बड़ी वाली पहले करती हूँ, हाफ है डार्क कलर लगाएंगे। और उसके बाद हाफ में वाइट। बस आपको ध्यान देना है कि शेड लगाते वक्त थोड़ा सा ब्रश में प्रेशर रहेगा, एकदम हल्का हाथ नहीं रखेंगे, एकदम ज़्यादा दबाएंगे भी नहीं, थोड़ा सा प्रेशर के साथ कर्व लाइन, देख रहे ना कर्व, हम कभी भी एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं होगी बस। और आपकी बिगनर्स के लिए ये बेस्ट लीव है, जिससे आपका शेड भी दिखेगा, एकदम वन कलर भी नहीं है और बिगनर्स लेवल के लिए बहुत अच्छा है। छोटी लीव और डंठल के लिए आप पतला ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, अभी मैं दिखाती हूँ। उससे क्या होगा कि अच्छा शेप आएगा आपका। ये देखिए 00 है, लेकिन ये इसका जो ब्रश है वो 1 नंबर के ब्रश के इतना है, उन्होंने लिखा है 00। अगर आपको 1 भी मिले तो आप ले लीजिएगा। अब इस ब्रश से मैं आपको छोटी वाली पत्ती करके दिखाती हूँ। रूल वही है, सारी लीव हम वैसे ही करेंगे, हाफ डार्क एंड हाफ लाइट। और ये बहुत इजी है, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है और प्रेशर के साथ बनाना है कर्व लाइन।
ज़ीरो नंबर या वन नंबर के ब्रश से ही हम बनाते हैं, जो पतली डंठल होती है वो देखिए कितनी अच्छी आई है। मोटा ब्रश होगा तो वो एक मोटी लाइन आ जाएगी। बिगनर्स के पास होना चाहिए वन नंबर और ज़ीरो, वन हो या ज़ीरो कोई भी हो काम आपका चल जाएगा। बस आपको पेंटिंग करते वक्त एक बात का ध्यान रखना है कि जहाँ आपको लग रहा है लाइट ज़्यादा पड़ेगी वहाँ वाइट लगाएंगे, और जहाँ आपको लगेगा कि डार्क होगा वहाँ डार्क कलर लगाएंगे। जैसे कि ये है, अब वो नीचे वाला डार्क होगा इसलिए मैंने ग्रीन लगाया है, और ऊपर लाइट पड़ रही है इसलिए वाइट। यही ये कुछ बातें आप ध्यान में रख के पेंटिंग करेंगे तो आप बहुत जल्दी सीख लेंगे। और मैं इसके और भी पार्ट बनाऊँगी जिसमें मैं आपको सिंपल फ्लावर से ले जाके रोज़ भी आप कैसे बना सकते हैं वो बताऊंगी। लेकिन आप मेरा वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक नहीं किया तो लाइक करें और कमेंट में बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, या आपको कोई भी अभी और परेशानी आ रही है या आपका कोई क्वेश्चन है वो भी आप कमेंट में लिखिए। नेक्स्ट वीडियो में जब बनाऊँगी बिगनर्स के लिए तो उसमें मैं आपको बता दूँगी। जो लोग पेंटिंग सीख रहे हैं या उनको पेंटिंग पसंद है, इस वीडियो को उनके साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी एक खूबसूरत डिज़ाइन सीख सकें। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, लिली आर्टिस्ट 9 या फैब्रिक पेंटिंग के नाम से आपको मिल जाएगा। आप मुझे अपनी पेंटिंग भी वहाँ भेज सकते हैं, वहाँ मैं स्टोरी पे लगाती हूँ। लीव के लिए जो रूल था वही रूल हम फ्लावर की पेटल पे भी अप्लाई करेंगे। पहले एक साइड डार्क लगाएंगे क्योंकि अभी हम बिगनर्स क्लास कर रहे हैं तो हम ज़्यादा अलग अलग चीज़ करेंगे तो सीख नहीं पाएंगे। आपको मैं यहाँ बता रही हूँ कि एक ही शेड से आप कैसे बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन बना सकते हैं। और दूसरे साइड वाइट लगाएंगे जैसे हमने लीव में लगाई थी, उसको ब्लेंड करेंगे, वाइट से डार्क की तरफ जाएंगे। ब्रश को ज़्यादा बार बार धुलेंगे नहीं। अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा कलर है या डार्क या वाइट जो भी शेड है तो आप एक कपड़ा रखेंगी कलर को ब्रश को पोंछने के लिए, उसमें पोंछ लेंगी। जब ज़्यादा ही ज़रूरत होगी तभी हम ब्रश वॉश करेंगे, वरना आपका पूरा कलर धुल ही जाएगा। सेम तरीके से हम सेकंड वाली पिटल भी करेंगे, पहले डार्क, अगर वाइट पे चढ़ गई कोई बात नहीं, अभी हम उसको डार्क लगा के सही कर लेंगे। डार्क लगाने के बाद फिर हम वाइट लगाएंगे और दोनों को मिलाएंगे। देखिए मैं कर्व लाइन लेके जा रही हूँ। बस आपको एक बात और ये ध्यान में रखनी है कि आपको कर्व लाइन लेकर जानी है, स्ट्रेट नहीं, और थोड़े से प्रेशर के साथ। पेंटिंग में फ्लो अच्छा रखने के लिए आपके कलर जो है, आपका कलर वो ब्रश में होना चाहिए। बहुत कम भी कलर लेंगे तो आपकी लाइन टूटेगी, और बहुत ज़्यादा कलर लेंगे तो हैंडल नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको मीडियम कलर लेना है, इतना कलर लेना है कि ब्रश अच्छे से चल सके, पूरी लाइन बन सके। लाइन टूटेगी तो फिनिशिंग नहीं आएगी। तो फ्लो के लिए आपको ब्रश में सफिशियंट कलर लेना है। देखिए जैसे मैंने लिया है कलर, और हमेशा हम पूरी लाइन जो है वो पूरी कंप्लीट लेके आएंगे, कर्व लाइन, और एक ही डायरेक्शन में रखेंगे। ये नहीं कि इसको ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल ऐसे नहीं करेंगे, हमेशा थोड़ी सी कर्व लाइन ही बनाएंगे एक ही डायरेक्शन में, और फिर वाइट लेके इसको ब्लेंड करेंगे। ये वीडियो बनाने से पहले मैंने इंस्टाग्राम पे आपसे पूछा था कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन हैं या कौन कौन सी बात ऐसी है जिससे प्रॉब्लम होती है फैब्रिक पेंटिंग करने में, तो आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। चलिए तो मैं इस वीडियो में उसके आंसर्स देती हूँ। सबसे पहले किसी ने पूछा है कि मैम मैं पेंटिंग, अच्छा इन्होंने पूछा है कि इन्होंने पेंटिंग किया था और अब कलर निकल रहा है वॉश करने पर, क्योंकि आपने वॉश नहीं किया था। जैसे कि मैंने शुरू में बताया है आपको कैसे कपड़ा भिगा के वॉश करना है, तो अगर आप वैसे वॉश करके तब पेंट करेंगी तो नहीं निकलेगा, बिना वॉश किए आप पेंट करेंगी तो निकलेगा स्टार्च की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यूटीफुल शेड्स के टिप्स। तो वही है जो मैंने आपको बताई है, कर्व लाइन लेके आना है इस तरीके से, थोड़ा सा प्रेशर के साथ। अगर ब्रश में ज़्यादा कलर है तो दूसरी पिटल पर भी लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन है कि क्या फैब्रिक पेंटिंग करने के बाद थोड़ा सा हार्ड हो जाता है? हाँ, हार्ड थोड़ा सा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कलर में फ्लो कैसे लाएं पेंट करते वक्त? तो आपको जो मैंने पहले बताया था, ब्रश में
कर लेने वाली बात वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेंटिंग के लिए अच्छा कपड़ा कौन सा होता है, तो कॉटन, और इस ये जो मैं पेंटिंग कर रही हूँ वो भी कॉटन कपड़े पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हम बिगनर्स हैं तो कौन सा ब्रश हमें ख़रीदना चाहिए। अगर आपके पास एक भी ब्रश नहीं है तो सबसे पहले आपको 0 या 1 नंबर 3, 4 और 6 अगर आप ख़रीद लिए तो ये आपके लिए सफिशियंट है। अब आपको कोई भी और ब्रश ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, आपका सारा काम इतने में हो जाएगा। और यही सारे ब्रश जो हैं उससे हम शेडिंग भी करते हैं। देखिए आप, मैं शेड कर रही हूँ इस तरीके से प्रेशर के साथ। इसके अलावा आपका पेंटिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिखिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी। जैसा कि मैंने बताया, ये अभी फर्स्ट क्लास है बिगनर्स की। अगर आपको मेरी ये पेंटिंग सिखाने की कोशिश अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन को दबाइए। फ्लावर के सेंटर पार्ट को बनाने के लिए हम येलो कलर लेंगे और हमें कुछ भी नहीं करना, बस ये डॉट डॉट लगाते हुए पूरे सर्कल में लगा देना है। तो ये कर्व कर्व सा सर्कल बनेगा आपका, जो कि सिंपल भी है और अच्छा भी है। इस तरीके से अगर आप बिगनर्स भी हैं तो देखिए आप कितनी क्यूट और ब्यूटीफुल डिज़ाइन बना सकते हैं। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, और जब हम इस तरीके से तीनों अपना फ्लावर का पराग बना लेंगे, उसके बाद हम लेंगे ग्रीन कलर जो हमने लीव में लगाया था वही, और बस छोटा छोटा सा सर्कल ऐसे और इधर से थोड़ा खींचते हुए लगा देंगे। ये एकदम बिगनर्स लेवल है, लेकिन देखिए इसका लुक थोड़ा डिफरेंट हो गया, जैसे लग रहा है कि हाँ किसी ने कितना अच्छा बनाया है। और जब भी आप पेंटिंग सीखिए भी किसी अच्छे कपड़े पे बनाया करिए कोई अच्छी डिज़ाइन, ताकि आपको भी देख के अच्छा लगे कि हाँ मैंने कितना अच्छा बनाया, तभी आपको सीखने का और आपका मन करेगा कि और हम सीखें। ये थी आज की हमारी सिंपल और प्यारी डिज़ाइन। मिलते हैं पार्ट टू में, तब तक आप चैनल पे और डिज़ाइन देख सकते हैं। मिलते हैं पार्ट टू में, बाय बाय।